खुबौलिया थाना के अशोकपुर गांव में शादी की खुशी मातम में तब्दील हो गई। शादी में लेन देन को लेकर विवाद के बाद घरातियों और बारातियों में जमकर मारपीट होने लगी। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में दूल्हे के मामा फिरतू को गंभीर रूप से चोट लग गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके अलावा दोनों पक्षों की तरफ से एक दर्जन लोग घायल हो गए। बारात में आई एक दर्जन गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें, कलवारी थाने के माझा कला गांव से बारात आई थी। शादी में द्वार पूजा के समय लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घरातियों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। देखते ही देखते गांव युद्ध का मैदान बन गया। बाराती जान बचाकर किसी तरह से वहां से भागे। पथराव में कई बारातियों के सिर फूट गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। क्या नाम है आप लोगों का? हमारा नाम लाल बहादुर। नाम बालक राम जन्मी सर। अच्छा, तो भैया आप लोग बाराती हैं? ये किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? पहले से कुछ विवाद हुआ था यार, हम लोगों से लड़े। क्या नाम है आपका? बालक राम सर। अच्छा बालक राम जी, आपको चोट कैसे लगी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? सर ऐसा है कि पहले से कुछ घर वाले और गांव वाले से लफड़ा चल रहा था, लड़की वाले से। अच्छा, तो उसको बदले लेकर के हम लोग को मारे। घर पे कम बवाल हुआ, लेकिन जहाँ पर बारात टिकी थी वहाँ पर आकर के लाठी और ईंटे से बहुत मार मारे थे जी। तो डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ? जी सर, डीजे बजाने को लेकर देखिए, कल अशोकपुर गांव पड़ता है थाना दुबोली अंतर्गत, यहाँ पे एक शादी समारोह था, उसमें बारात आई हुई थी। एक पितूर नाम के व्यक्ति को वहाँ पे आपस में किसी बात पे इनको लेन देन की बात को लेके इनमें कहासुनी हुई और पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक पितूर नाम के व्यक्ति है उसको सिर में पत्थर लग गया था। इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और आज सुबह उनको लखनऊ के लिए रवाना किया गया था, रेफर किया गया था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है, इसमें भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और चार लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें पीएम की कार्रवाई करा के और दो जो इसमें आरोपी हैं उनको अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अन्य की हिरासत में लेने की कार्रवाई की जा रही है।